अस्सलाम वालेकुम गाइस, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि वेक्टर एफ हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन मेक्स 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस एंड वेक्टर आर विद मैग्नीट्यूड 4.3 मीटर मेक्स 80 डिग्री विद एक्स एक्सिस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रहा आपका वाई एक्सिस। अच्छा, पहले इसने कहा कि एफ एक वेक्टर है और वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वो है 10 डिग्री समथिंग, यहां पे कहीं होगा। ठीक है, ये रहा आपका एफ वेक्टर और ये एंगल कितना बना रहा है, ये है 10 डिग्री विद एक्स एक्सिस। और जो सेकेंड वेक्टर है स्मॉल आर, वो बना रहा है 80 डिग्री विद एक्स एक्सिस, सम फिर यहां पे कहीं होगा। अब ये कह रहा है, कहता है कि फाइंड आउट करो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर, देयर मीन्स उसे एफ और ये जो आर वेक्टर है इनका डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले हमें ये चीज पता होना जरूरी है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं इनके बीच में एंगल क्या है, हमें इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। फाइंड आउट कर सकते हैं कि देखोगे आपके पास यहां से लेके विद एक्स एक्सिस आपके पास ये जो आर वेक्टर है ये कितना बना रहा है, 80 डिग्री। अब 80 में से अगर आप ये माइनस कर दो, ये क्या चीज है, ये एक्चुअली 10 डिग्री है। ठीक है, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा यहां पर बड़ा करके बना देता हूं। ये रहा आपका 80 डिग्री, ये रहा आपका 80 डिग्री। अब 80 में से अगर आप ये वाला पोर्शन माइनस कर दो, ये आपका क्या होगा 10 डिग्री, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। मीन्स उससे कि R और F वेक्टर्स के बीच में जो एंगल आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो 80 माइनस 10 तो ये हमारे पास आ गया 70 डिग्री। तो अब हम लोग, हमारे पास एंगल मौजूद है इन दोनों वैक्टर्स के, मैग्नीट्यूड है वो भी मौजूद है। मैग्नीट्यूड क्या है, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5.5 न्यूटन और स्मॉल आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड इसने दिया हुआ है वो है 4.3 मीटर। तो अब हम लोग फाइंड, मैग्नीट्यूड हमारे पास है और इन वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो भी हमारे पास मौजूद है। सो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एफ और आर का, तो डॉट प्रोडक्ट, डॉट जब हटेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड सॉरी एफ का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा आर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। ये आपके पास ये एंगल है, इसको मैं कह देता हूं ये आपका थीटा। सो मैग्नीट्यूड एफ का भी मैग्नीट्यूड मौजूद है, आर का भी वेक्टर इसने गिवन दिया हुआ है मौजूद है, एंगल भी हमारे पास है, तो इनका हम लोग जो डॉट प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5.5 मल्टीप्लाई होगा आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, वो है 4.3 कॉस ऑफ थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, वो है 70 डिग्री। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, एक ही स्टेप में तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। सो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4.3 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 70 डिग्री, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.088। ये इसको कह देते हैं, इसको राउंड ऑफ करके 3 डेसिमल प्लेस तक इसको कह देंगे 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इनका ये दो वेक्टर्स से एफ और आर इनका आ गया है डॉट प्रोडक्ट। अब चलते हैं इनके क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा, यहां पे अगर हम देखें तो इनका यूनिट क्या आएगा, यूनिट इनका होगा न्यूटन मीटर, तो यूनिट भी आप लगा दो स्लॉट में, क्योंकि फोर्स क्या है न्यूटन और आपके पास आर क्या है ये मीटर्स में है। ठीक है, तो न्यूटन मीटर इनका यूनिट आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हम लोगों ने जो चीज फाइंड आउट करनी है वो है इन्हीं दो वेक्टर्स का, ये तो डॉट था, अब आएगा क्रॉस प्रोडक्ट। सो आ जाएगा एफ क्रॉस आर। अब क्रॉस हटेगा तो क्या आ जाएगा, एफ का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। एंगल हमारे पास मौजूद है, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी हमें पता है, गिवन है।
तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट। एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5.5, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4.3, साइन ऑफ थीटा, थीटा हमारे पास क्या है 70 डिग्री, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट। साइन 70 डिग्री, 5.5 × 4.3 × sin of 70 डिग्री। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया इसका 22.224, 3 decimal places तक इनफ है। और उसका यूनिट यहां पे क्या जाएगा, न्यूटन मीटर। सो यही दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी थी, डॉट प्रोडक्ट और ये रहा इसका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम था। सो इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको कंफ्यूज करे, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह ताला फिर अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। तो इसके बाद अभी आएगा ये प्रॉब्लम नंबर 5 था। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।